भाई सुबह सुबह मोटर को पता नहीं क्या हुआ, सुबह सुबह पानी नहीं आ रहा। बैग लेके निकल दिए जी हम। भाई मेरे भैया गाड़ी नहीं साफ करते यार। हाँ देख रहे हो कितनी मिट्टी पड़ी हुई है इस पर, पता नहीं क्या है। भाई भैया मिल गए मैं फाइनली। हाँ सुबह सुबह 7:30 बजे आते भैया, मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गया। भैया कह रहे हैं भैया आप जल्दी उठ गए, मैं तो अपने टाइम से आया था। चलो एक बार कपड़ा लग जाएगा ना तो मिट्टी तो देखो वैसे भी हो जाएगी, क्योंकि अपन निकल रहे एक लॉन्ग ट्रिप पे। बट ठीक है एक बार साफ़ सुथरी गाड़ी निकलेगी ना घर से, अच्छी लगती है ना साफ़ सुथरी गाड़ी। तो जी गाड़ी में बैठ गए, अब गाड़ी एक बार ना कोल्ड स्टार्ट मार देते हैं और यहाँ से देखना पड़ेगा, शायद इसमें डीजल भी लेना पड़ेगा। हाँ भाई डीजल लेना पड़ेगा, डीजल आधा टैंक ही है और आधे टैंक में तो नहीं पहुँच पाएंगे। और आज अपन कहाँ जा रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको बताते हैं, और क्यों जा रहे हैं वो तो एकदम लास्ट में बताएंगे। सरप्राइज है, सरप्राइज, सरप्राइज ट्रिप फॉर मी, सरप्राइज ट्रिप फॉर यू। चलो जी स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग 550 किलोमीटर की जर्नी को। तो बता देता हूँ यार ऐसे सरप्राइज सरप्राइज नहीं रखूंगा। तो जी अपन आज निकले हैं यहाँ से एक्सप्रेसवे, और कहाँ जा रहे जी? लखनऊ। लखनऊ क्यों जा रहे हैं भाई? एक भाई के भाई की शादी है, मतलब अपने भाई की शादी है। तो मैं तो एकदम भूल गया था, इनफैक्ट कल भाई का फ़ोन आया, कल रात में निकलना था, फिर मैंने आज का होटल बुक किया था और मैंने कहा कल रात में निकलूंगा तो मैं 2-3-4-5 बजे तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे आज का मतलब कल का होटल भी मतलब जिसमें 10-11 बजे चेकआउट रहता ना वो भी बुक करना पड़ता। तो मैंने कहा इससे अच्छा घर पर सो लो और सुबह सुबह निकलो, सुबह सुबह एकदम फ्रेश भी। क्या साफ़ किए हैं भैया यार, क्या बोलूँ मैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, इतना गंदा है। चलो कोई नहीं, अपने पास वाइपर है उससे कर लेते हैं अपन जी साफ। बोलो श्री अंबे मात की जय। फटाफट एक कॉफी उड़ाते हैं और जितने जल्दी हो सके दिल्ली को क्रॉस कर लेते हैं। भाई मैंने सोचा घर से निकलने से पहले ही ना एक बार लबालब करा लिया जाए, क्योंकि लबालब हो जाएगा ना तो अपन आगरा तक तो एटलीस्ट आगरा से वो आगे ही पहुँच जाएंगे, और फिर दिन का टाइम है ना तो उतना लोड नहीं होगा, मतलब लोड नहीं लेना पड़ेगा कि भाई तेल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे ना इस पे थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। इसका टैंक तो बड़ा है लेकिन यार वो साला ना मेरे को ना रेंज एंग्जाइटी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सिलरी टैंक जो सेकेंडरी टैंक है उसका रेंज इसमें दिखाता नहीं है। यार इसका एक रिव्यू वीडियो बनाना था वो ना रह ही गया यार। चलो कोई नहीं अभी आ जाएगा, 30-35 लीटर के करीब आना चाहिए, 35-40-35 तो हो गया भाई, और खाली था भाई। पहले इस पे ना HR 70 का ना टेम्परेरी नंबर लगा था और वो ना प्रॉपर नंबर प्लेट नहीं था, तो अपन ना टेम्प्रेरी में वहाँ मुंबई वम्बई सब घूम के आए भाई, स्पीति चले गए, मुंबई चले गए, बट अब इसमें ना परमानेंट वाला नंबर लग गया है, 0003 वाला, हाई सिक्योरिटी वाला। तो भाई ये जो कैमरे है ना जो आपको ऊपर अभी दिखे भाई, इनसे खासा ध्यान रख के ना स्पीड लिमिट में ही चलना पड़ता है। भाई 70 का स्पीड लिमिट है यार इस गाड़ी में, पता ही नहीं चलता, ऐसा लग रहा है जैसे 20-30 पे चल रहे हैं, मतलब 150-200 के बीच में भी रहो ना तो अगर आप स्पीडो पे नहीं देखो तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई आप स्पीड में चल रहे हो, या तो रोड बहुत ज़्यादा अनइवन रहे एंड गाड़ी आपको फील कराए कि हाँ भाई मैं अनइवन सर्फेसेस पे चल रही हूँ, मज़ा आ जाता है। अभी तो सबसे अपना जो प्राइमरी टास्क है वो है रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई, कभी कभी आईफोन भी धोखा दे देता है कि आईफोन भी चेंज करके ना 1 TB वाला लूँगा, वैसे तो ये 15 प्रो है बट इसका ना स्पेस ख़त्म हो जाता है यार। तो अभी जो मेन टास्क है वो है भैया यहाँ से भग लो और सीधे निकल लो नोएडा के परे, हाँ सपनों की दुनिया राजनगर एक्सटेंशन, नहीं उधर तो जाना ही नहीं है। भाई दिल्ली से निकलने का ना एक स्पेसिफिक टाइम है, अगर आप उस टाइम पे दिल्ली को छोड़ो नहीं ना तो दिल्ली आपको पकड़ लेती है, ट्रैफिक सिग्नल ये आपको जाने नहीं देते, ये आपसे प्यार करने लगते हैं, और जस्ट इन केस आप किसी ऐसे टाइम पे निकले हो जब आपको ट्रैफिक और सिग्नल नहीं मिले, कैमरास
हर 150-200 मीटर पे कैमरास हैं जो आपको कैद कर लेते हैं, नहीं जाने देते, छोड़ते नहीं हैं। आपके पास मैसेज आता है 2000 का चालान, 4000 का चालान, 10000 का चालान, चालान ही चालान। जितना भी दिल्ली में डेवलपमेंट है वो चालान से ही तो हो रहा है। बरसात में स्विमिंग पूल का मजा आपको जो मिलता है वो चालान के थ्रू ही तो मिल रहा है। वाटर लॉगिंग होती है, आपको साला बीचेस बीचेस जाने की जरूरत ही नहीं। जी फाइनली आगरा एक्सप्रेसवे पे इंटर हो गया और अपने को ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला। हाँ, 7:30 बजे स्टार्ट किया था और भाई एक चीज़ दिखाऊँ, 67 किलोमीटर कवर किया और एवरेज देखो 9.6 का माइलेज निकाला गाड़ी। फास्टैग नहीं चाहिए भैया, फास्टैग मैंने रिचार्ज कर लिया, बाकी फास्टैग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है भाई। जब से पेटीएम बंद हुआ तब से HDFC के फास्टैग में रिचार्ज कर रहा हूँ और HDFC के फास्टैग में पता ही नहीं चलता है, मैसेज वैसेज आ जाता है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, लेकिन पेटीएम में क्या था ना कि वॉलेट से ही कट जाता था। HDFC में साला पैसे डाल के रखने पड़ते हैं और 4-5 हज़ार रुपये डाल देते हैं तो वही वो 4-5 याद ही नहीं रहता अगले ट्रिप में, मतलब लास्ट ट्रिप में कितने बचे थे कितने नहीं बचे थे। ऐसा क्या था कि वॉलेट बहुत कन्वीनियंट था क्या भाई? पेटीएम वालों क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हाँ, धंधा बंद हो रहा है और तुम बंद हो जाओगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तुमने तो हमें वो बना दिया है ना, कामचोर। हो गया भाई ख़त्म। टोल पे देख रहे हो कितनी भीड़ है यार। हाँ, नॉर्मली इस टोल पे ना इतनी भीड़ रहती नहीं है। अभी सैटरडे है ना तो जितने भी बाहर वाले लोग हैं ना शायद वो अपने अपने घर जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि नॉर्मली ना इस एक्सप्रेसवेज पे इतना ट्रैफिक नहीं होता जितना आज मुझे फेस हो रहा है, और ये ट्रैफिक ना मिला जुला के भाई मेरा एक चालान कटा हुआ है। मैं एक्चुअली बताऊँ तो मेरा ना एक चालान कटा हुआ है और वो चालान है इसी एक्सप्रेसवे का और वो है फिलहाल आगरा कोर्ट में और वो है फॉर्च्यूनर का EU 0003 का। अब बिना उस चालान को पे किए ना मैं गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मतलब वो नंबर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो यार अभी मैं किसी से बात कर रहा था मतलब कि कैसे पे होगा, तो देखते हैं कोई लोक अदालत लगेगी तो उसमें पे करना पड़ेगा, बिकॉज आगरा जाके कोर्ट में पे करना तो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो। अगर आप आगरा से हो जस्ट इन केस एंड आप मुझे हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना यार। हाँ, जो भी चीज़ें होंगी पैसे वैसे वो मैं कर दूंगा भाई, मैं मतलब ऐसे फ्री में नहीं मांग रहा, बट यार मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड आई वॉन्ट टू पे दैट चालान। ऐसा नहीं है कि मेरा इंटेंशन नहीं है पे करने का, बिल्कुल है मेरा इंटेंशन, बट जस्ट दैट कि मैंने ना स्टार्टिंग में नहीं देखा यार। और ना वो था अज्जू भाई की गाड़ी की डिलीवरी लेके आ रहे थे ना, तो दोनों गाड़ियाँ स्पीड में चल रही थी, एक कैमरे ने पकड़ लिया क्योंकि कैमरे को हम पहले से पकड़ नहीं पाए और उस कैमरे से हम काफी तेज निकले और कैमरे ने फोटो खींच ली हमारी। भाई आगे जी कॉस्टा, कॉस्टा कॉफी, और यहाँ पे रुकेंगे, वॉशरूम यूज करेंगे। भाई एवरेज वैसे मैंने बहुत तेज चला, एवरेज दिखा के क्या ही बताऊं, बट फिर भी 8 का एवरेज दे रही है भाई। 170-180 ऐसे करके चला रहा था गाड़ी। ओहो मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कितना 174 किलोमीटर कवर कर लिया, 174 जबरदस्त। हाँ भाई मन नहीं कर रहा उतरने का, उतर के आज भी ले। आपको भी आई ना, आई ना जमाई यौन आता है, देख के आता है भाई, मेरा भी मन नहीं कर रहा उतरने का। मस्तियाँ, अरे टोयोटा फॉर्च्यूनर टैक्सी, बट टैक्सी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो ये है यहाँ पे मथुरा पुलिस की गाड़ी, और आगे देख रहे हो कितने सारे ऑक्सिलरी लगे हैं और बड़े बड़े हॉर्न लगे हैं। हाँ, क्योंकि ये पुलिस की गाड़ी है तो भाई इसका कोई चालान नहीं कर सकता, यही ऑक्सिलरी आप लगा के। अरे एक और टोयोटा फॉर्च्यूनर टैक्सी, ओ भाई क्या हो रहा है, हैं क्या हो रहा है ये भाई? चलो एटलीस्ट ये दुबई में दिखती है टैक्सी में, मतलब ऑफ रोडिंग करते हुए। भाई पता है क्यों है टैक्सी, मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई टैक्सी में चल रही है, टैक्सी में भाई टैक्सी में इसलिए चल रही है क्योंकि उनको पता है मेंटेनेंस नहीं है, गाड़ी रिलायबल है, कहीं रुकेगी नहीं, कुछ होगा नहीं भाई, लो रनिंग कॉस्ट है। एक बार जो आप पूरे पैसे देते हो ना, हाँ भाई एक भाई था वो ऐसे गए, ओ भाई थाईलैंड में तो ऐसे ही चल रही वैसे चल रही, भाई थाईलैंड और इंडिया में बहुत डिफरेंस है मेरे भाई, हाँ बहुत डिफरेंस है ठीक है। और भाई भाई के प्रोफाइल पे मैं गया, भाई के प्रोफाइल पे गया, भाई के पास थी
पैशन प्रो, ऐसा नहीं है कि भाई के पास पैशन प्रो है तो भाई को अच्छा नहीं है, बट भाई ने ना जो मजाक बनाने की कोशिश की ना भाई, एटलीस्ट फॉर्च्यूनर ले तो लो, उसके बाद फॉर्च्यूनर का मजाक बनाना, चाहे कोई कुछ भी बोले, फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है। मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद, आगरा पहुंच गए अपन, मस्त 233 किलोमीटर कवर कर लिया, मस्त हाईवे, मस्त कॉफ़ी अपनी चल रही है, ये दूसरी कॉफ़ी है, एक मैंने लिया था, मैंने कहा भाई उससे पूरी नींद जा नहीं रही है तो दूसरा ले लो, और जो म्यूज़िक सिस्टम पे मस्त गाने बजा के चल रहे ना भैया, हमें देख रहे हैं कि भैया कौन सी गाड़ी आगे बढ़ा लो भाई, यहाँ भैया कह रहे हैं कि भाई गाड़ी तो बहुत तगड़ी है, मुस्की मार रहे हैं ना मुस्की। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस वे पे बस चढ़ना है। क्यूट सी स्माइल थी ना भैया की, पता नहीं कैमरे में कितना आया, क्योंकि मैं सामने देख रहा था, टोल टैक्स टोल बैरियर था ना, वो थोड़ा ध्यान दे रहा था, बाकी ठीक है। एक बार एक्सप्रेसवे पे यहाँ पे चढ़ेंगे ना फिर तो रपा रप सीधे लखनऊ। पहले दिखा रहा था कि 3:30 बजे पहुँचेंगे, जबकि मैं आधे घंटे रुका और अभी भी दिखा रहा है कि 2:55 में पहुँच जाएंगे, आइडियली 4:04 होना चाहिए था, बट अच्छा स्पीड कवर किया इस रोड पे, और अच्छा कवर करेंगे क्योंकि टर्मैक है। ये जो पीछे वाला रोड है ना, ये उसमें ना टायर्स की आवाज़ ना आपको केबिन के अंदर ना फील होती है, इसमें तो बहुत बहुत नेग्लिजिबल फील होती है, बट किसी भी और गाड़ी, जैसे मैं फॉर्च्यूनर से आता है ना, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि सीमेंटेड रोड है यार, और सीमेंटेड रोड में ना टायर ज़्यादा वर्न आउट होते हैं, प्लस आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये वाला सही है आगरा एक्सप्रेस वे, मतलब ये अपना लखनऊ जाने वाला, आगरा से लखनऊ। इस लाइन में लगे थे और भैया का सिस्टम रीस्टार्ट हो गया, मतलब भैया का जो कंप्यूटर लगाया है वो फेलियर हो गया उसका। भैया ने कहा उधर जाके लग जाओ, उधर उधर पूरा पीछे बैक करो, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब आपने कह दिया तो हम वही करेंगे भाई, गाड़ियां रुकती भी तो नहीं है। मस्त ताबड़ तोड़ स्पीड से आए भाई, ताबड़ तोड़, मतलब सीरियसली आप देखो 120 कितना कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना इतना ऐसे 50 के स्पीड पे चल रहे हैं भाई। 200 तक टिकाया मैंने, 210-215 तक गाड़ी टिकाई, और इतना मस्त है ना। एक चीज़ ये है ना कि ये ध्यान रखना पड़ रहा है कि भाई एक तो गर्मी है फिलहाल बाहर, 39 degrees है, और ना टायर का टेम्परेचर, क्योंकि गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है ना, तो टायर का टेम्परेचर और टायर का प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर करते रहना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ना इस हाईवे पे एक्सीडेंट ना टायर फटने की वजह से होते हैं। बाकी अभी शुभ शुभ बोलेंगे, गाड़ी बहुत ताबड़ तोड़ चल रही है, और भाई एवरेज पता है कितने का दे रही है, 7.7, मतलब ऑलमोस्ट 8 का एवरेज निकाल रही है डीजल पे। बहुत सही भाई, इधर रुक सकते थे बट रुकेंगे नहीं, अभी सीधे आगे चलते रहेंगे। इसके बाद वाला जो ये आएगा ना, जो रेस्ट वाला एरिया आएगा ना, वहाँ पे इसमें डीजल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक टैंक में फॉर्च्यूनर तो पहुँच जाती थी, ई ना पहुँची। हाँ भाई देखो, फॉर्च्यूनर 2.8 लीटर था, ये 3.3 लीटर है, V6 है, और डेफिनेटली यार थोड़ा तो एवरेज है, और बाकी सारी चीज़ों में मज़ा भी तो उतना दे रही है, मज़ा भी तो पूरा दे रही है। अभी जिस लंबे वाले ट्रिप के बारे में मैं आपको बता रहा था ना, तो उस लंबे वाले ट्रिप के लिए ना, जब भी वो ट्रिप होगा मैं ग्रेजुअली उसके पहले बता दूंगा, एंड उसमें अपन ना इसी रास्ते को कवर करने वाले हैं, और यहाँ से डिफरेंट कंट्री इंटर करेंगे, और वहाँ से फिर डिफरेंट कंट्री, वहाँ से फिर डिफरेंट कंट्री, वहाँ से बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज, तो मिला जुला के जो इसका सनरूफ है वो बेकार है, समझ रहे हो, बहुत धूप आ रही है इसलिए पूरे टाइम बंद कर रखे हैं, और टेम्परेचर अभी 39 degrees यार, 39, और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है ना कि अभी दोपहर, मतलब अभी तो सुबह के 12 भी नहीं बजे हैं, दोपहर के 12 भी नहीं बजे हैं, एंड जब तक 2-3 बजेंगे ना, आई थिंक 41 डिग्री के आसपास होगा भाई। इस बार ताबड़ तोड़ गर्मी बढ़ने वाली है सीरियसली यार, जिस हिसाब से है ना, बस साले आम नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम आम देखे मैंने भाई, आम मिल ही नहीं रहे। एक तो ऐसे ना लोअर पहन के आना तो बहुत कंफर्टेबल रहता है लोअर पे ना, लोअर में ड्राइव करने में, खुला खुला टी शर्ट, लोअर, मस्त गाने, आए हाय, जिंदगी का स्वाद है यार हाईवे पे।
अब गाड़ी के अंदर बैठे रहो, इतना कंफर्टेबल फील होता है ना भाई। गाड़ी ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहते हैं घर ले लो घर ले, अभी घर लेके ऊपर थोड़ी ना जाओगे, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, चलो छोटा बड़ा हर घर अच्छा होता है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए भाई। गाड़ी आपको जाते वक्त कंफर्ट देती है यार, मज़ा देती है, जो हैप्पीनेस गाड़ी देती है ना साला घर नहीं देता यार। मतलब आई नो कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, बट जो खुशी आपको आपकी गाड़ी देगी ना वो घर नहीं देगी। बस मैं अकेला ही हूँ भाई यहाँ पे, रुके थे बहुत मस्त। चलो भाई चलो, ख्याल रखना अपना भाई, मस्त हवा चल रही है, ये देख रहे हो शीशे की क्या हालत है, आप पूरे शीशे पे इतने सारे बक्स मरे हुए ना, इधर आगे हेडलाइट पे ये देखो सारे के सारे बक्स मरे हुए हैं। यहाँ पे एक बार रुके थे भाई, बहुत तेज भाई हवा नहीं लू चल रही है, अंदर का केबिन इतना ठंडा है ना, इतना ठंडा। और ये देखो जी हमारा आ गया जी फ्यूल लो, लो फ्यूल आ गया, और अभी इस हाईवे पे अप्रॉक्सीमेटली 50-41 किलोमीटर्स और चलना है, तो 41 किलोमीटर्स बाद जाके एग्जिट है और वहीं पे जाके अपने को तेल मिलेगा। गाड़ी बहुत खींच रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त भाई। तो अपन एंटर कर चुके हैं जी नवाबों के शहर लखनऊ में, हाँ मस्त हाईवे छोड़ के अंदर एग्जिट मार लिया है, अब इसमें बस रिफिल कराना है, अब कहीं पेट्रोल पंप दिखेगा तो करा लेंगे, बाकी 2 बजे से ही अपना होटल का चेक इन था और एग्जैक्ट 155 तक अपन होटल पहुंच जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग रास्ता, बस ये था कि बाहर निकला नहीं मैं, कहीं उतरा नहीं, एक जगह कॉफ़ी लेने के लिए उतरा एंड उसमें भी भाई धूप थी, हाँ सुबह 10-10:30 बजे के करीब वो उतरा था, बाकी नॉन स्टॉप जब कॉफ़ी लेने के बाद तो नॉन स्टॉप भगाते हुए, कुछ लोग मिले थे ऐसे ही उनसे भी गाड़ी के अंदर से ही हाय बाय हो गया, दादा उतरा नहीं। चलो सही है, सुनील को फ़ोन कर दिया है, आ जाएगा वो। ऑलमोस्ट 551 किलोमीटर चला ली और यहाँ पे हमें पेट्रोल पंप दिख गया था, तो यहाँ पे डीजल डलवा लेते यार। हाँ ये आगे जी हम गोमती नगर नोवोटेल में यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि सुनील का घर यहीं से भाई नेक्स्ट डोर है पीछे जस्ट, अब इसके घर पे नहीं क्योंकि वो कल जा रहा है दिल्ली, तो अपन होटल ही चेक इन करेंगे क्योंकि मस्त टुंडई खाए, मैंने कहा था ना कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ सिर्फ टुंडई खाने, भाई बहुत तगड़ा था, देखो सच्ची बता रहा हूँ टुंडई है यहाँ तगड़ा वाला, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल वाला, अमीनाबाद वाला, हाँ भाई बहुत तगड़ा था, पराठे ज़्यादा हो गए थे मिला जुला के। कल खा लेना, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, क्या छुपा रहे हो सच्ची बताओ। अरे कुछ नहीं, पैसे नगद। समझ गया, कोई बात नहीं, करो करो भाई। तो फिलहाल अपने को जाना है शादी में और सुनील के साथ। सुनील कैसा लग रहा है गुरु? ट्रक में बैठे हैं ऐसा महसूस हो रहा है। महसूस हो रहा है, ट्रक ड्राइवर तो हो तुम ना, खलासी आज, खलासी हो आज, खलासी है। चलो भाई अपन जा रहे हैं एक ना थोड़ा सा हल्का फुल्का चाट खाने। भाई तो अपन रेडी हो गए मस्त तरीके से, तो आज हमने डिसाइड किया था कि भाई कोई सूट वूट और कोई ऐसा ब्लेजर वेजर नहीं पहनेंगे, मस्त ऐसे कुर्ता वुर्ता पहनेंगे, और भाई कुर्ते में आदमी ना थोड़ा पतला भी लगता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि एथनिक वाला लगता है, तो भाई कर देते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे गरम। सुनील तो घर जा रहा है क्योंकि वो कल दिल्ली निकल रहा है, तो भाई अपन जा रहे हैं अकेले शादी में, शादी इंजॉय करते हैं भाई की शादी में, और सुनील जाएगा घर, मतलब सॉरी तुम कल दिल्ली जाओगे ना? यस। हाँ तो भाई कल दिल्ली जाएगा, कल अपन यहीं पे लखनऊ में ही रुकेंगे। तो बाकी ये ब्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, टिल देन पीस।